नेपाल में टिकटॉक को बैन करने का ये फैसला कितना ज़्यादा यहाँ पे घातक सिद्ध हो सकता है ये अभी पता चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस समय जब टिकटॉक बैन हुआ था, जब तो आपने वीडियो बनाया था कि अच्छा हुआ है और जो यूथ है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रहा है, कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम ऐसा कर लें, यानी कि आप बहुत से ज्ञान दे रहे थे हमें, और आज आप कह रहे हैं कि यहाँ पे घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वास्तव में इतनी बड़ी उलझन है इस मामले में। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अब मुद्दे बन रहे हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, किस तरह से विपक्ष यहाँ पे टूट पड़ा है जो आज की वर्तमान सरकार है उसके ऊपर, किस तरह से एक एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं ट्रेंड का मुद्दा बना दिया गया है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक को बैन करने के पीछे कमेटी बैठी थी, और इससे पहले भी एक बार करा गया था ये निर्णय कि इसको बैन कर दिया जाए या फिर नहीं कर दिया जाना चाहिए ये चीज़ को लेकर। लेकिन फाइनली कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि टिकटॉक को अब और ज़्यादा चलाना सही नहीं है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से फेक न्यूज़ बढ़ रही हैं, जिस तरह से लोग गलत अकाउंट बनाकर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी को लेकर यहाँ पे इस टिकटॉक को बैन कर दिया गया। जब हमने वीडियो बनाया था उस समय हमने ये भी पूछा था कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही रहने वाला है या फिर ये गलत रहने वाला है। हमने ये वीडियो अब बना रहे हैं, उससे पहले एनालाइज भी किया था कि क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑलमोस्ट मैंने देखा कि 90% लोग यही कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन करना सही था और होना ही चाहिए था। एक्चुअल में उसके बावजूद मैं ये कैसा कह सकता हूँ कि ये विवाद हो चुका है। इसका रीज़न है यहाँ पे जो नेपाल की विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने एक टिप्पणी करी है, सरकार नेपाल में टिकटॉक को बंद करने का फैसला जो कर रही है वो विपरीत दिशा में जा रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में नेपाल में टिकटॉक को बंद करने का जो फैसला लिया गया है, महासचिव थापा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए, जबकि आप इसका उल्टा कर रहे हैं। विनम्य आवश्यक है, लेकिन किसका, क्या किसी एप्लीकेशन का विनम्य या फिर उन लोगों का जो कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनका, लेकिन विनम्य के नाम पर सोशल मीडिया को बंद करना पूरी तरह से गलत है। यह किसी सोशल मीडिया नेटवर्क को बंद करने की बजाय सरकार की मंशा का मामला है। मुख्यमंत्री थापा ने कहा कि सरकार की मंशा अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को दबाना है, और उन्होंने इसको ठीक भी नहीं समझा। दोस्तों, यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इनका कहना भी कुछ हद तक ठीक है कि हमें सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बंद करने की बजाय हमें दुरुपयोग करने वालों को पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम दुरुपयोग करने वालों को पकड़ते हैं तो वो ऐसा है कि लाखों की संख्या में आपको दुरुपयोग करने वाले मिलने वाले हैं। लाखों की भीड़ को आप कैसे पकड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय हो सकता है। एक बहुत बड़ा कंपेनिंग विषय चलाना पड़ेगा, बहुत बड़ी हैकर्स की टीम लगेगी, आपको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसके अंदर कुछ ऐसे दुरुपयोग करने वाले भी होंगे जिसे आप पकड़ भी नहीं सकते अपनी निजी तौर के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि दुरुपयोगों को ऐसे तो नहीं रोका जा सकता, और कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कि आप पकड़ भी लेंगे तो भी वो निकल जाएंगे, ये कहकर कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये जो यहाँ पे थापा जी कह रहे हैं कि उनको पकड़ना चाहिए, उनका विनिमय होना चाहिए, वो आसान काम तो नहीं है, इतना ज़्यादा टफ काम है जिसको अगर अप्लाई किया जाए तो एक बहुत बड़ा बजट भी चाहिए और एक बहुत बड़ी टीम भी चाहिए। लेकिन अगर जिस एप्लीकेशन के जरिए सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जिस एप्लीकेशन के जरिए हमें लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड कर हो सकता है साबित, तो उसको बंद करना इतना ज़्यादा महंगा साबित नहीं होगा। हाँ, ज़रूर फ़र्क पड़ता है, जो लोग टिकटॉक के जरिए पैसा कमाते हैं, जो लोग टिकटॉक से फेमस हैं, उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, पता है हमें। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों को एक साइड में छोड़कर, दूसरे लोगों की जो कि खराब हो रहे हैं इसके जरिए, जो कि अपने भविष्य को भी कहीं ना कहीं अंधकार में झेल रहे हैं इसके जरिए, उनकी संख्या उनसे ज़्यादा है ये भी कह सकते हैं।
तो दोस्तों अब दोबारा से आप अपना निर्णय लीजिए कि क्या टिकटॉक को बैन करना सही है या फिर नहीं है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।